योजना के तहत हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी और योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस, राज्यों के अतिथि निवास सहित मठ मंदिर और आश्रम भी बनेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई। इस बीच 90 अयोध्या प्रोजेक्ट को हाईटेक सिटी के तौर पर विकसित करने की योजना भी आकार लेने लगी। इसके लिए गुजरात के गिफ्ट सिटी की व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया गया है। गिफ्ट सिटी के तर्ज पर ही वैदिक सिटी को बसाने की तैयारी है। योजना में 80 देशों के गेस्ट हाउस, राज्यों के अतिथि निवास सहित मठ मंदिर और आश्रम भी बनेंगे। नव अयोध्या योजना कुल 1852 एकड़ में आकार लेगी। योजना को दो चरणों और 6 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले चरण में 539 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ेगी। योजना के लिए 1407 एकड़ जमीन में से 90% खरीदी गई। विस्तारित क्षेत्र 248 एकड़ के लिए 21 अक्टूबर तक आपत्तियां ली जाएंगी। ग्रीनफील्ड टाउनशिप नव अयोध्या में पड़ोसी देशों ने मांगी जमीन। नेपाल, श्रीलंका और दक्षिण कोरिया ने भी जमीन की मांग की। तीनों देशों ने 5-5 एकड़ जमीन की जरूरत बताई है। टाउनशिप में 15 राज्य पहले ही जमीन मांग चुके हैं। सबसे पहले गुजरात को भूखंड आवंटित किया भी जा चुका है। अयोध्या की नई आवासीय योजना में करीब 5 फाइव स्टार और 15 दूसरे होटलों का प्रस्ताव है। कुछ शॉपिंग मॉल भी बनेंगे। इनकी जमीन को नीलामी से बेचा जाएगा। नव अयोध्या से सीधे राम जन्मभूमि पहुंच सकेंगे। यहां से राम जन्मभूमि की दूरी महज 3 किलोमीटर होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ आकार लेने वाली इस योजना को आपस में जोड़ने के लिए हाईवे को एलिवेटेड कर अंडरपास बनाया जाएगा। ग्रीन सिटी नव अयोध्या के ऊपर से NH-27 गोरखपुर लखनऊ हाईवे जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। रामकथा पर आयोजित अयोध्या की रामलीला, या यूं कहें कि फिल्मी सितारों की रामलीला में अपने आराध्यों के किरदारों को देखकर दर्शक भाव विहोर है और ये आयोजन काफी खास भी है। देखिए, अयोध्या अपने प्राचीन गौरव की तरफ धीरे धीरे लौट रही है। इस नगर को सजाने संवारने का काम जारी है। वही नगर में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसे दुनिया भर में दर्शक देख रहे हैं, जिसमें तमाम फिल्मी कलाकार भाग ले रहे हैं और रामायण के किरदार निभा रहे हैं। वही रामलीला का ज्ञान मंच लोगों को अपने आराध्य के अभिनय से भाव विभोर भी कर रहा है। पूरी अयोध्या नगरी रामलीला में अपने आराध्य को पाकर काफी खुश है, वही राम के अभिनय के लिए अयोध्या पहुंचे कलाकार राहुल बुजर भी इस अभिनय के लिए खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। चौथी बार प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे अयोध्या पहुंचे हैं मशहूर कलाकार राहुल बुजर। हम इनसे जानते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि आप अयोध्या में लगातार प्रभु श्री राम का रोल कर रहे हैं, तो कैसी अनुभूति हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये ऐसी अनुभूति हो रही है कि मैं अपने अवध, अपनी नगरी, अपने घर वापस आ गया हूँ। और मेरा एक साल का वनवास था और वो वनवास मैंने दिल्ली और अलग अलग शहरों में काटा और उसके बाद आज मैं वापस अपने घर, अपनी अवध, अपनी नगरी, अपनी अयोध्या नगरी आ गया हूँ। और अनुभूति तो ऐसी हो रही है कि स्वयं भगवान ने इसका चयन किया है मेरे इस किरदार का। मेरे को इस किरदार में भगवान ने सोचा और मेरा चयन किया, इससे बड़ी सौभाग्यशाली बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। ये चौथा वर्ष है और भगवान करे कि 40 वर्ष तक निभाता रहूं। देखिए, राम लल्ला तो जब हमने शुरू किया था उस टाइम जहां पर थे, कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि अब भव्य मंदिर का निर्माण होगा और निर्माण होने के बाद रामलला वहां पर विराजमान होंगे। और आज जब ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आज ये फिल्मी कलाकारों की जो अयोध्या जी की रामलीला है, जो विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है, उसका यहाँ पर चयन करना, उसका यहाँ पर मंचन करना सफल हो गया। वही माँ सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री डॉक्टर लीली ने बताया कि माँ सीता का किरदार निभाना आसान नहीं, उनके लिए ये किरदार बड़ी चुनौती है।